गुड आफ्टरनून दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ADX इंडिकेटर किस तरह से यूज़ करना है उसके बारे में बताऊंगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके पहले वो वीडियो देखना फिर ये देखना। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इंडिकेटर लगाना है। ये HDFC बैंक का चार्ट है, 15 मिनट का चार्ट है, हेकेनशी कैंडल स्टिक है और इसमें जो इंडिकेटर लगेंगे वो मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। पहले हम लगाएंगे दो सिंपल मूविंग एवरेज, एक होगा 13 पीरियड का 13.13, उसका कर देते हैं हम रेड कलर, ठीक है 13 का हम कर देते हैं रेड, और दूसरा होगा हमारा 21 पीरियड का जो ब्लू ही रहने देते हैं, तो 21.21। ओके सर, और इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं, ये हमारा दो मूविंग एवरेज आ गया। अब चलते हैं ADX पे हमने क्या करना है आगे बताऊंगा। पहले दूसरा भी इंडिकेटर लगा देते हैं, DMI। ओके दोस्तों, तो DMI पे चलते हैं। DMI ये लगा दिया हमने, DMI तो ये हो गए हमारे इंडिकेटर। अभी इनमें थोड़ी सी सेटिंग करते हैं, पीरियड 14 ही रहेगा। ADX का कलर हम ग्रीन कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, लाइन की जगह हिस्टोग्राम डाल देते हैं और इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लिया। ओके कर लिया, फिर इसमें दो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे दोस्तों। पहली लाइन हो गई हमारी रेड कलर की, चलो ग्रीन कलर की डाल देते हैं पहले, ग्रीन कलर ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए ग्रीन कलर की डाल देते हैं। 25 की लाइन इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये माना जाता है कि जब भी ADX 25 के ऊपर होता है तो ट्रेंड वो स्टॉक ट्रेंडिंग में होता है या वो इंडेक्स ट्रेंडिंग में होता है, मतलब उसका अच्छा ट्रेंड माना जाता है, वहाँ से पकड़ने मतलब वो अच्छा ट्रेंड पकड़ सकता है जो ADX 25 या 25 से ऊपर हो। और जब ADX 20 हो, जब 20 के नीचे हो तब माना जाता है कि उस स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है या अभी प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, तो उस समय हमें उस स्टॉक से दूर रहना है। तो इसको हम कर देते हैं रेड कलर, ठीक है, यानी कि हमें संकेत मिले कि हमें वापस ग्रीन हो गया, इसकी सेटिंग कर देते हैं 20 और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन रेड, और 20 पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, 20 या 20 से कम। अब चलते हैं DMI पे, DMI ये प्लस DMI यानी बायर्स की स्ट्रेंथ बताता है। ये जब भी बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ग्रीन कलर की लाइन प्लस DI ये हमेशा ऊपर होगी, और जब सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो माइनस DI रेड कलर की लाइन हमेशा ऊपर होगी। ये जो है ये तीसरा जो है ADX का है, ये ADX हमने ऊपर लगा दिया है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको कट कर दिया, तो इसमें केवल दो ही रहेगा। अब हमने क्या देखना है, पहले तो हमने देखना है बाई करने के समय कि ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस हो, ADX 25 हो और 25 प्लस हो तब हम बाई करेंगे, और जब सेल करने का होगा तो हमें देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है इसके दोनों मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल की प्राइस हो और साथ ही साथ सेलर DI लाइन माइनस DI लाइन प्लस DI लाइन से ऊपर हो, मतलब वो जो क्रॉसओवर मिलेगा तो माइनस DI लाइन ऊपर होनी चाहिए, बाई साइड में प्लस DI लाइन जैसे यहाँ पे है ये ऊपर होनी चाहिए, तो ये हमारा बाइंग और सेलिंग का सेटअप होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं, 1 तारीख से देखते हैं, 1 अप्रैल से, ठीक है दोस्तों। ये मान के चलिए कि हम पोजीशन लेंगे इसमें,
मतलब पोजिशनल में चलेंगे, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको इंट्राडे में फिर वही है कि 3 बजे तक आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, ये देखिए यहाँ से हमारा ट्रेड शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम चेक करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉस, यहाँ पे भी ये नीचे के, मतलब ये क्रॉस ओवर नहीं है, यहाँ पे साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे अभी जैसे क्रॉस ओवर मिला आपको, साथ में आपने ADX की लाइन देखनी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखना दोस्तों। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर पे अभी ये कि 14.81 है, तो यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, जब ये देखिए जब ग्रीन लाइन ये यहाँ पे आपका 25.67, तो यहाँ पे आपने सेल करना था। तो देखिए कितना था, 15.25.50, 15.25.50 पे आपने सेल किया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक कैंडल क्रॉसओवर मिल गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया, ये बाद में है, ये पहले ही मिल गया आपको, ठीक है। यहाँ पे आप एग्ज़िट करेंगे तो ये इसका हाई है 1500, तो 25 रुपये आपको मिल गया, 25 रुपये मिल गया। मतलब ये लोगों की आपने 15-25 पे, ये तो 25 रुपये मिल गया, तो लगभग लगभग 1.5% आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो हम देखते हैं 25-25 रुपये हमें यहाँ मिल गए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे, अब यहाँ पे बाई करना था, यहाँ पे बाई करते तो कितना है बाई प्राइस, ये है 1575, ठीक है। यहाँ पे आपने बाई कर दिया, बाई क्यों किया, क्योंकि मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, साथ ही साथ ADX भी आप देख सकते हैं 51 है, और क्रॉसओवर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो 1575 पे हमने बाई किया, और देखिए कहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे कहीं भी आप सेल कर सकते थे, 1690 इसने हाई मारा था, आप यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे भी आप सेल कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 1660 पे मान लीजिए आपने सेल किया, तो 1575 और 1660 तो कितना हो गया, 60 और 85 रुपये, ठीक है दोस्तों, 85 रुपये हो गया। अब आप देखते जाइए 85 रुपये, 8.5, ठीक है, दो ट्रेड हो गए। आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल ट्रेड मिला है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेल ट्रेड मिला है, और सेल कितने में मिला है, 1586, ठीक है, 1586.50, और इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया 1586.50, ये बीच की लाइन यहाँ पे 1586.50 और 1586.50, ये 1552, बावन यानी कि 86.50 52, 34 रुपया मान के चलिए यहाँ पे आपको मिल गया, 34 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिला, 34, ओके। आपने ये देखना है कि जैसे ये ADX नीचे आने शुरू हो जाए ना, जैसे ये ट्रेंड चल रहा था, ये बाई का ट्रेंड था आप देख सकते हो ये ऊपर, और जब ADX थकने लगता है तो वो नीचे गिरने लगता है। साथ ही साथ ये जो DI प्लस DI की लाइन है और माइनस, ये दोनों आपस में मिलने एक दूसरे के करीब आती हैं। जैसे कि यहाँ ये देखिए नीचे को आ रही, और ये लाल वाली लाइन ऊपर को जा रही है, मतलब कि ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, और वो वास्तव में हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड मिला, देखिए दूसरा ट्रेड मिला कितना है, ये ऊपर देखिए 1627, यहाँ पे देखिएगा 1627 का हाई है, और ADX भी हमारा कितना है, 31 है, ठीक है भाई, हमारा बनता है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो गई है, ठीक है। 1627 पे हमने बाई किया, अब देखिए 1627, ये देखिए 1776, ठीक है। चलो यहाँ पे भी आप 1627, 1668, यहाँ पे भी आप मान लो यहाँ पे आपने सेल नहीं किया है,
यहाँ पे भी आप सेल कर दें। ये यहाँ पे कितना था, 16 27 और 16 16 68, 16 27, तो 40 रुपया भी आपको यहाँ पे मिल जाता, 40 40 रुपया आपको यहाँ पे मिल गया। अब आप देखिए ऑटो सम करते हैं, ये देखिए 184 रुपया आपको कितने ट्रेड में मिला, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4, चार ट्रेड में 184 रुपया मिला। ठीक है, इसकी एवरेज जो प्राइस है वो 1600 1500 के आसपास है, हम 1600 मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 16 इक्वल टू 100, तो 184 कितना होगा, इसकी अगर परसेंटेज निकाले तो सीधा इसको 16 से डिवाइड कर देते ना, आ जाएगा 11 11.5% की रिटर्न आपको कहाँ मिली, चार ही ट्रेड में। ये कौन सा दिन है, ये 13 दिन में आपको 11.5% मिला, चलो 10% की रिटर्न मिली है ब्रोकरेज ब्रोकरेज काट के। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, आपको 10% भी अगर 13 दिन में मिल जाता है, तो अगर एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है तो कम से कम 15% भी आपको मिल जाता है ऐसे 15%, तो 15 एक महीने में 15%, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 15, करना दोस्तों थोड़ा एक्सेल में भी कहूँ, 180%। तो आप समझ जाइए कि आपका पैसा नियरली डबल हो जाएगा एक साल में। इस तरह से ट्रेड कीजिए, आशा करता हूँ कि ये ADX आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने बाई कब करना है, जब मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज दे रहे दोनों के, और साथ में DI माइनस को क्रॉस कर दें। सेल कब करना है, जब जैसे यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया और साथ ही साथ ADX 25 से ऊपर हो। ठीक है, और जब आप ट्रेड में रहते हो तो आपने ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा ट्रेड था, देखिए यहाँ पे ADX बढ़ते जा रहा है, क्रॉस ओवर यहाँ मिल गया था, बढ़ते जा रहा है, तो आप ट्रेंड में बने रहिए, ट्रेड में बने रहिए, और जैसे जैसे पीक बनाया और फिर जैसे ये गिरने लगे, और ये गिरने लगे साथ ही साथ DA प्लस लाइन भी नीचे की तरफ झुके और DI माइनस ऊपर की तरफ, मतलब एक दूसरे के करीब आने लगे, तो समझ लेना कि ट्रेंड अब रिवर्स होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरह वाइस वर्सा सेल ट्रेड के लिए भी। तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, और ADX बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, इसको सही तरह से इस्तेमाल करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा भी रखोगे तो उसमें आपको नॉइज़ एकदम कम हो जाएगा। तो आप डे में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम फ्रेम में। ये तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया है, ये अगर इसमें आपको इंट्राडे भी में भी अगर 1.5% मिल जाता तो ट्रेड करके अपना मुनाफा लेके घर जाओ। ठीक है, तो अगर एक फिक्स क्वांटिटी में आप ट्रेड करें, जैसे कि अगर आपने मान लो 100 100 100 HDFC के शेयर अगर आपने लिए होते, तो 100 को 184 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 18,400 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाता सिर्फ 13 दिन में। तो ये थी ADX की पावर। आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप इसमें इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके किसी भी स्टॉक में किसी भी इंडेक्स में प्रॉफिट कमाओगे।
इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो से ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ जल्दी अपनी अगली वीडियो लेकर। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जल्दी मिलूँगा दोस्तों, गुड बाय।